प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के बुरखे वाले बयान पर बवाल मच गया है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम को मुद्दा बनाकर राजनीतिक पार्टियों के बीच खलबली मचा दी है। गौरतलब है कि मायावती ने बीजेपी पर हमला करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि सत्ताधारी बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में आम जनता द्वारा बुरी तरह से नकारे जाने का परिणाम है कि अब बीजेपी वोट से नहीं बल्कि नोटों से, ईवीएम की धांधली से, पुलिस प्रशासन तंत्र के दुरुपयोग से, ईवीएम में चुनाव कर्मचारियों से ही बटन दबवा कर आदि धांधलियों से चुनाव जीतना चाहती है। मायावती के ट्वीट के बाद ईवीएम मुद्दा फिर एक बार तूल पकड़ रहा है। जानकारों की माने तो पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी, कांग्रेस और गठबंधन को इस समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वोट किस आधार पर और किसके पक्ष में पड़ा है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, यदि देश के लोकतंत्र में आम जनता की आस्था को बचाए रखना है तो फिर चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वह इन बातों को गंभीरता पूर्वक संज्ञान ले और तत्काल आवश्यक उपाय करे ताकि अगले सभी चरण के चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष हो सके। हालांकि चुनाव आयोग इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 आम चुनाव में टेक्नोलॉजी से लेकर सुरक्षा तक के हर पहलुओं पर ध्यान दिया गया है।